गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी सुरक्षित होंगे और उन सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे जो पहले से बताए गए इस कोरोना वायरस के लिए। चलिए बात करते हैं गणित सब्जेक्ट में जो हमने कल पढ़ा था, सीमा। तो सीमा में हमने कुछ विधियां देखी थी, जिन विधियों की जब बात कर रहे थे उन विधियों में कल जो हमने पढ़ी थी वो विधि पढ़ी थी प्रसार विधि। अच्छा, इससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, जो आप सब इन गणित में जो सीमा का जो चैप्टर है इसको पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ कुछ अभ्यास भी करते रहिए। कुछ क्वेश्चंस कहीं से मिले या फिर कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिया करूँगा डेली, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर करके देखना और कमेंट बॉक्स में उन चीज़ के उनका आंसर लिखने की कोशिश करना। फिर देख सकते हैं हम कि उसका कितना हमने सीखा है और कितना सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो बात करते हैं प्रसार विधि की। कल बात की थी तो प्रसार विधि में कुछ प्रसार बताए गए थे और उन प्रसार के माध्यम से हमने देखा था कि यदि सीमा ज्ञात करनी हो जब प्रतिस्थापन विधि काम नहीं कर रही हो, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई अनिर्धारित रूप बनेगा, तो उस स्थिति में कुछ विधियां थी। फिर उसमें एक विधि थी प्रसार विधि, और प्रसार विधि में क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, किसी दिए हुए पद का प्रसार करते हैं। प्रसार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्रसार के द्वारा जो अनिर्धारित रूप है वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो सकता है या हो जाता है, इसलिए हमें प्रसार विधि की आवश्यकता होती है। तो कल जो प्रसार विधि हमने देखी थी उसमें कुछ प्रसार बताए गए थे। उन पे एक डाउट भी आया है कि जो त्रिकोणमितीय फलन है साइन कोस टेन, इनका प्रसार कैसे किया गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन त्रिकोणमितीय फलन का जो प्रसार है, कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन है, यहां लिख सकते हैं हम साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स। तो इनका जब प्रसार की बात की जाएगी तो इनका प्रसार एक प्रमेय है, एक थ्योरम है, टेलर और मैक्लोरिन थ्योरम। कौन सी प्रमेय है? टेलर और मैक्लोरिन थ्योरम, इसके माध्यम से इसका प्रसार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स की और उसके बाद बात करते हैं किसकी, कोस एक्स की। और हम जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन, जो कुछ बेसिक फलन हमने पढ़े हैं उनमें टेन एक्स का जो मान है वो किसके पदों में ज्ञात किया जा सकता है, साइन और कोस के पदों में ज्ञात किया जा सकता है। बताया गया होगा कि टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटा कोस एक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, साइन एक्स की। साइन एक्स का प्रसार कैसे होता है? तो इस प्रमेय के द्वारा दिया गया, यदि एक फलन एफ एक्स है, यदि कोई फलन एफ एक्स हो तो प्रमेय एफ एक्स के लिए ध्यान दीजिए, टेलर और मैक्लोरिन जो थ्योरम है वो है, यदि कोई फलन एफ एक्स हो तो प्रमेय फलन एफ एक्स के लिए निम्न प्रकार होगी। कैसे होगी? उस फलन को हम लिख सकते हैं, फलन होगा एफ एक्स बराबर, अब चूंकि एक्स जो है वो कोई वेरिएबल है, स्वतंत्र चर, जैसा कि हमने पहले बात की थी, तो इस स्वतंत्र चर के किसी विशेष मान ए के लिए जो प्रमेय बनेगी वो कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले फलन का जो मान आएगा किस पर, ए पर। फिर उसके बाद अगला जो पद होगा उसमें क्या होगा, चूंकि यहाँ फलन का मान है तो अब इसके बाद जो आएंगे वो फलन के अवकलज आएंगे। क्या आएंगे? फलन के अवकलज। तो एफ एक्स के बाद फलन का पहला अवकलज क्या होगा, एफ डैश, और वो भी कहां पर, ए पर, और साथ में यहां पे लिखना है एक्स माइनस ए। जितनी बार अवकलन कर रहे हैं उतनी ही इस पद की घात होगी, तो यहाँ पे घात कितनी होगी, एक होगी, और इसमें भाग भी किसका लगेगा, जो घात थी उसी का फैक्टोरियल का भाग लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट जो आएगा वो क्या आएगा, एक बार अवकलन हो चुका है, सेकंड टाइप में क्या होगा, दो बार अवकलन, एफ डबल डैश ऑफ ए, और साथ में यहां पे जो पद था उसकी घात कितनी हो जाएगी, अब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, और इसी प्रकार अगला पद आ जाएगा। इस प्रकार चल रहा है ये जो प्रमेय है, ये कौन सी प्रमेय है, टेलर और मैक्लोरिन थ्योरम। यदि यहां पे चूंकि हम किसका प्रसार की बात कर रहे हैं, हम यहां पे प्रसार की बात कर रहे हैं साइन एक्स और कोस एक्स के प्रसार की। ठीक है, तो यहां पे फलन
जब हम sin x का प्रसार करेंगे तो फलन किसके बराबर लिया जाएगा, sin x के बराबर, ठीक है। तो यहां पे फलन लेट मान लिया कि जो फलन है fx है वो किसके बराबर है, sin x के बराबर, क्लियर हुआ। और साथ में जो a है, यहां पे जो a दिख रहा है इसकी भी कुछ मान लेना पड़ेगा। तो यहां पे टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम थी, उसके अनुसार जब sin x का प्रसार ज्ञात करना हो तो a के किसी विशेष मान 0 के लिए, कितना लिया जाए a का मान 0 के लिए प्रसार निम्न प्रकार होगा। तो यहां पे a का मान ले लीजिए कि a का मान कितना लेने पर 0 के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले फलन की बात की, फलन कितना था fx था, उसमें सबसे पहले किसकी जरूरत है, fa की जरूरत है, और fa में a का मान कितना रखना है, 0 रखना है। तो इसको एक समीकरण मान लो, समीकरण नंबर 1, इसमें हम क्या करेंगे, fx बराबर कितना रखने पर sin x, तो बताओ फलन क्या बन गया, this implies fx की जगह कितना रख दिया, sin x रख दिया, ठीक है। और बराबर a की जगह कितना रख देना है, 0, तो बताइए क्या आ गया, ये बन गया कितना, f of 0, क्लियर है। अगला पद क्या बन गया, यहां पे बन गया f dash of 0 और x minus 0 मतलब x, तो यहां पे हो गया x की पावर 1 बटा फैक्टोरियल 1। सेम अगला पद क्या जाएगा, यहां पे लिखा है f डबल डैश, तो यहां पे आ जाएगा f डबल डैश ऑफ, a की जगह कितना रख देना है, 0 रख देना, तो यहां क्या आ गया, f डबल डैश ऑफ 0 आपको, और साथ में कितना, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, इस प्रकार आ गई, ये आ गई समीकरण नंबर 2, क्लियर हुआ। अब इसमें सबसे पहले जरूरत है कि फलन का मान कितना होगा, फिर उसके अवकलज क्या होंगे। चलिए पहले अपन इन सब का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले फलन दिया गया, फलन क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया गया है ना। अब इसमें सबसे पहले एफ जीरो का मान चाहिए, तो चलिए बाद में निकालेंगे, या फिर यहां पे दिखा देते हैं। एफ ऑफ जीरो का जो मान है, साइन के अंदर जीरो रखना मतलब साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो इसका मान कितना हो गया, जीरो। फिर और किसका मान चाहिए, एफ डबल एफ डैश एक्स का, तो एफ डैश एक्स का मान कितना होगा, साइन का जो अवकलन है। अब बात आ गई यहां पे सीमा में अवकलन, तो चलिए बात ये करते हैं कि भी अवकलन थोड़ा देखना पड़ेगा, 11th क्लास में थोड़ा बहुत बताया गया होगा कि अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये अपने आवश्यकता है, इसलिए अपन कुछ मूलभूत फलनों का अवकलन याद रखने की कोशिश करें, और जिनके माध्यम से इनका अपन अध्ययन कर रहे हैं ना, इसमें जो लास्ट विधि है डीएल हॉस्पिटल, ये भी कहीं ना कहीं अवकलज पर ही निर्भर है। अवकलज यदि थोड़ा बहुत आता है, हालांकि ये जो चैप्टर है इसमें लिखा है संततता और अवकलनीयता, तो चैप्टर तो बाद में शुरू होगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा बहुत जो अवकलन की आवश्यकता है उसके द्वारा अपन सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे sin x का अवकलन याद रखने की कोशिश करें कितना होगा, cos x, बाद में हम देखेंगे भी कैसे आएगा। इसमें भी मान चाहिए, किसका मान चाहिए, एफ डैश जीरो का, तो एफ डैश ऑफ जीरो का जो मान आया cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स कोस, या पहले अवकलन किसका किया था, साइन का अवकलन किया था, कितना आया था, कोस एक्स आया था, और अब किसका अवकलन करना है, एफ डैश का पुनः अवकलन। तो जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो उसे अपन दिखाने का तरीका है, यहाँ पे डैश लिखा है मतलब एक बार अवकलन है, और यहाँ डबल डैश लिखा है, डबल डैश का मतलब कितनी बार अवकलन, दो बार अवकलन है, ठीक है। तो कोस का जो अवकलन होगा पुनः लिखेंगे तो वो आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, और इस प्रकार जो मान आ गया वो कितना आ गया, f डबल डैश ऑफ जीरो का जो मान आ गया वो आ गया माइनस ऑफ साइन जीरो, और साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। तो जीरो का कोई साइन नहीं होता है, मतलब जीरो का कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब जीरो के आगे माइनस था तो वो जीरो में कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला भी देख लेते हैं, f ट्रिपल डैश ऑफ x, इसका पुनः अवकलन, जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस तो आएगा ही, और साइन का अवकलन यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिए साइन का अवकलन कितना है, कोस एक्स है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा, और इसमें भी सेम अवकलन का मान चाहिए, तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो का मान कितना आएगा, कोस जीरो का मान कितना था, एक, तो यह आ गया माइनस एक यहाँ पे, और इसी प्रकार आगे इसमें चाहो तो नेक्स्ट पद भी लिख सकते हो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f डबल डैश के बाद f ट्रिपल डैश ऑफ a, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3 एंड प्लस एंड सो ऑन। सेम यहाँ पे भी लिखना चाहिए, किसके लिए, जीरो के लिए, तो क्या बढ़ जाएगा,
एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 इनटू एक्स की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3। ये समीकरण नंबर 1 मानी थी, ये समीकरण नंबर कितनी मानी थी 2। ठीक है, चलिए इन सभी का उपयोग करते हैं यहां पे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या आ गया, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में मान रखा तो sin x का मान कितना हो गया, sin x बराबर क्या लिखा है यहां पे f0 का मान कितना है 0 है, मतलब 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगले पद में क्या लिखा है f'0 का मान कितना है 1, तो यानी कि 1 का गुणा किससे हो गया x की पावर 1 से, और x की पावर 1 का मान भी कितना है x, तो यहां पे मान किसका लगा फैक्टोरियल 1 का, और फैक्टोरियल 1 का मान याद रखिए कितना होता है 1 होता है, तो भाग देने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट पार्ट f'0 का मान कितना है 0, यानी कि 0 का गुणा x स्क्वायर से होगा तो 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला पद, यानी कि कह सकते हैं ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है, तो ये दोनों पद अपन ने छोड़ दिए, ये वाला पद है और ये वाला पद है, इसका मान भी कितना था 0 था और इसका मान भी कितना था 0 था। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, लिखा है f"0, तो f"0 का मान कितना, ध्यान दीजिए कितना है -1, तो यहां पे प्लस इनटू -1 होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और साथ में कितना हो गया x की पावर 3 हो गया, और बाकी किसका लग गया यहां पे फैक्टोरियल 3 का, तो ये आ गया फैक्टोरियल 3। अगर नेक्स्ट पद अपन निकालेंगे तो पहले इन दो पदों से देखो क्या सीखा है हमने, जो समघात थी वो यहां पे नहीं आ रही है, केवल कौन सी घात आ रही है विषमघात आ रही है। समघात क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहां पे इसका मान 0 हुआ था, अब इसका कितना हो गया है -1 हो, जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो भी 0 होना, मतलब कहने का यह है कि जो समघात वाले पद है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और एक चीज और देखिए, पहले चिन्ह क्या था प्लस था, फिर क्या आया माइनस, इसी प्रकार जब अपन आगे प्रसार करेंगे तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब यहां पे कितना हो गया प्लस, और एक्स की पावर नेक्स्ट क्या आएगी, क्योंकि कौन सी घात आ रही है विषमघात आ रही, तो विषमघात कितनी होगी 5 होगी बटा फैक्टोरियल 5 होगा, और प्लस के बाद क्या आ जाएगा माइनस एंड सो ऑन, इस प्रकार इसका प्रसार आना है। समझ में आया, चलिए एक बार नोट कीजिए इसको, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम अब। ठीक है, अब बात करते हैं कोस की, किसकी बात करें कोस की, चलिए यहां से मिटा देते हैं इसको, देखिए टेलर मैकलॉरिन थ्योरम यहां पे लिखी है, इसी प्रमेय के उपयोग से हम किसका और प्रसार करेंगे, अब कोस का प्रसार करेंगे, तो फलन किसके बराबर लेना है कोस एक्स के बराबर लेना है। ठीक है, और एक का मान अभी भी कितना लेना है 0 लेना है, वही सेम मान रख देना एक का, तो यहां फलन का मान कितना हो गया कोस एक्स हो गया। ठीक है, f0 आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया, फिर यहां पे फैक्टोरियल 2, ये सेम ही रहा, कोई खास अंतर नहीं है। चलिए फलन की बात करते हैं, फलन क्या था fx, तो यहां पे सबसे पहले f0 का मान चाहिए, तो यहां पे फलन कितना है cos 0 है, सॉरी cos x है, तो इसके द्वारा जो मान आया वो कितना आ गया f of 0 आ गया, और f of 0 का मान कितना होता है ध्यान दीजिए cos 0, क्या बनेगा cos 0, और cos 0 का मान हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है, तो यहां पे आ गया cos 0 बराबर 1, मतलब f0 का जो मान है वो कितना है 1 है। सेम जब नेक्स्ट मान निकालेंगे तो यहां पे ध्यान दीजिए f'0 का मान चाहिए, तो इसका मतलब इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो अवकलन हुआ है f'x बराबर कितना हो गया cos का अवकलन कितना हुआ अभी देखा था आपको, सॉरी cos का हां देखा था हमने माइनस sin x, और इसमें जब मान रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना मान चाहिए अपने पास f'0 का मान कितना होगा, इसके लिए x का मान 0 रखना है, तो ये हो गया माइनस sin 0, और sin 0 का मान कितना था ये तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है, चाहिए तो यहां लिख भी लीजिए इसको, sin 0 का जो मान है वो कितना होगा 0 होगा, और cos 0 का जो मान है वो कितना होगा 1 होगा, ये अपने पास त्रिकोणमितीय फलन से आते हैं, तो अभी इनकी आवश्यकता डायरेक्टली है इसलिए हम इनको डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो f'0 का मान कितना हुआ माइनस sin 0, sin 0 का मान 0 है,
तो इसका मतलब पूरा कितना हो गया, जीरो हो गया। अपन जानते हैं जीरो का कोई भी साइन नहीं होता है, जबकि इसके आगे माइनस था तो माइनस का कोई औचित्य नहीं है। ये किसके बराबर रहना है, जीरो के बराबर रहना है, ठीक है। फिर अगला पुनः अवकलन किसका चाहिए, दो बार अवकलन चाहिए। इसका मतलब इसका पुनः अवकलन f डबल डैश ऑफ x, माइनस तो छोड़ दिया, और साइन का अवकलन कितना होता है, cos होता है। ये भी तो याद रख लीजिए, यहां लिख देते हैं साइन x का अवकलन कितना होगा, cos x होगा, और cos x का अवकलन वो कितना होगा, माइनस साइन एक्स। ये दोनों याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए यहां बात कर लेते हैं, इसका अवकलन हो गया कितना, cos x हो गया। सेम इसके द्वारा इसका मान चाहिए हो गया f डबल डैश ऑफ 0, कितना हो जाएगा, आगे साइन क्या है, माइनस है, तो यहां माइनस हो गया, ठीक है। अब माइनस लगा दिया, cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, जैसा कि यहां लिखा था सेम यहां पे आ गया। इसी प्रकार आगे एक मान और निकाल लेते हैं f ट्रिपल डैश 0 का, तो f ट्रिपल डैश ऑफ x कितना होगा, इसका पुनः अवकलन करना, तो यानी कि माइनस को छोड़ दिया है, और cos का अवकलन कितना होगा, ये लिखा है देखो, cos का अवकलन माइनस sin x, एक माइनस पहले से लिखा है, एक माइनस उसके द्वारा आ गया, तो माइनस इनटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब ये चिन्ह हट गया, यानी कि लिख सकते हैं माइनस ऑफ sin x, जिसको हम लिख सकते हैं कितना, sin x, ठीक है। ये sin x लिख दिया, और इसमें जब मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 बराबर sin 0, sin 0 पहले ही बताया गया कितना होता है, 0, ये लिख दिया इसका मान, और इसी प्रकार बाकी मान निकालेंगे। चलिए मान रखने की कोशिश करते हैं, कौन सी समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 से जब मान रखेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए यहां पे कितना लिखा था, cos, तो ये हो गया cos of x बराबर, ठीक है। सबसे पहले किसकी जरूरत है, f0 की, और f0 का मान यहां लिखा है कितना है, 1 है, तो ये लिख दिया 1, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट में क्या आया, f'0 का मान कितना है, 0, यानी कि 0 का गुणा जब इससे करेंगे तो कितना होना है, 0 होना, मतलब ये पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगले पार्ट में देखो, f'0 का मान कितना है, -1 है, मतलब यहां प्लस पहले से साइन लिखा है, और इसका मान माइनस में आ गया, इसका मतलब चिन्ह क्या हो गया, माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस इनटू प्लस या फिर प्लस इनटू माइनस बराबर कितना होता है, माइनस, तो ये आ गया माइनस, ठीक है। इसका मान रख दिया है 1, और उसका गुणा किससे हो, x2 से, तो हो गया x2 बटा भाग किसका लगा, फैक्टोरियल 2 का, क्लियर हुआ। सेम अगला पार्ट, अब ये आना है क्या, ये दोनों पदों से हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, 1 का मतलब होता है x की पावर 0, कितना होगा, x की पावर 0, तो x की पावर 0 है, x की पावर 2 है, यानी कि कौन सी घात आ रही है यहां पे, समघात कह सकते हैं, कौन सी घात आ रही है यहां पे, समघात। तो अगला पद क्या आएगा, विषमघात, इसके बाद कितनी, 3 आती है, लेकिन वो तो इसमें शामिल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, 0 होना है, वो देख भी सकते हैं, ये देखिए f ट्रिपल डैश 0 का मान कितना है, 0, ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट नहीं आना, इसका मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट आएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, पहले चिन्ह क्या था, प्लस, फिर क्या था, माइनस, फिर क्या होगा, वापस प्लस हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, x की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4, इसी प्रकार माइनस एंड सो ऑन। ये किसका प्रसार है, cos का है। चलिए नोट कीजिए इसको, चलिए अब बात करते हैं हम इसका जो नेक्स्ट फलन है, कौन से वाला है, tan x, तो उसका प्रसार कैसे होगा। चलिए ध्यान दीजिए, इनको मिटा देते हैं, अभी हमने देखा कि टेलर और मैक्लोरिन थ्योरम से sin x का जो प्रसार था वो क्या था, sin x बराबर कितना था, x माइनस x की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, इसी प्रकार आया था। और दूसरा किसका देखा अभी हमने,
कॉस एक्स का देखा तो कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का निकालना तो यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। अब हम मान ज्ञात करना, हम प्रसार ज्ञात करना चाहते हैं टेन एक्स का, किसका टेन एक्स का, तो टेन एक्स का प्रसार ज्ञात करना, तो चूंकि हम जानते हैं, अच्छा उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, इनको थोड़ा सरल स्थिति में लिख लेते हैं ना, चलिए मैं यहां लिख देता हूं। तो सबसे पहले x लिखा है तो x लिख दिया, माइनस है माइनस, x की पावर 3 बटा, सबसे पहले मान निकालते हैं फैक्टोरियल 3 का, ये हमें बताया गया होगा कि फैक्टोरियल n का जो मान निकाला जाता है वो n से शुरू होकर और 1 तक जाएगा गुणा के रूप में, बताया गया होगा। मतलब इसका प्रसार किस प्रकार होगा, n, n के बाद क्या आता है इससे कम करना, क्योंकि इसकी तरफ जा रहे हैं 1 की तरफ, दिया जाएगा n माइनस 1 फिर n माइनस 2 एंड सो ऑन फिर 3 2 और 1, यहां 1 तक जाना है, कोई डाउट तो नहीं है यहां पे। n माइनस 1 मतलब कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है, पहले 1 कम हुआ फिर 2 कम हुए फिर 3 कम हुए, लास्ट में घटते घटते कहां तक पहुंच गए, 1 तक पहुंच गया, ठीक है। तो इसको लिखा x की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3 की बात करते हैं, तो फैक्टोरियल 3 का मान कैसे, फैक्टोरियल 3 बराबर पहले 3 से शुरू होगा, 3 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद कितना 1, मतलब ये हो गया 6, सेम किसका निकालेंगे प्लस x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 का, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा 5 4 3 2 1, 5 चौक 20 दिया 60 दूनी 120, मतलब ये कितना आ गया 120 एंड सो ऑन, माइनस एंड सो ऑन, ये माइनस का साइन रह गया, ठीक है। सेम इसकी बात कर लेते हैं, इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, कितना आ गया 1 आ गया माइनस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 लिखा है यहां पे, क्या लिखा है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की जब बात करते हैं तो फैक्टोरियल 2 का मान कैसे निकालोगे, फैक्टोरियल 2 बराबर 2 इंटू 1 मतलब कितना 2, क्लियर है। सेम अगला पद क्या आएगा x की पावर 4 बटा भाग किसका लगा फैक्टोरियल 4 का, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 का मान भी दिखा दो 4 3 2 1 मतलब 4 दिया 12 12 दुनी 24 ये इसका मान है एंड माइनस एंड सो ऑन। अब हम जानते हैं लिखना है चूंकि tan x का जो मान है वो कितना होता है sin x बटा cos x होता है, इसका मतलब ये हुआ कि sin में भाग देना है किसका cos का, मतलब sin में cos का भाग देना, तो इस पूरे पद में इस पूरे पद का भाग दिया जाएगा, ठीक है। चलिए भाग देने की कोशिश करें, तो भागफल विधि से हम जानते हैं, भागफल विधि से क्या होगा, पहले अंदर किसमें भाग लगेगा साइन में भाग लगेगा, तो साइन का मान रख दीजिए यहाँ पे कितना है x है माइनस x की पावर 3 बटा 6 प्लस x की पावर 5 बटा 120 एंड माइनस एंड सो ऑन, इसमें भाग किसका लगेगा cos का, वो यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस x स्क्वायर बटा कितना 2 प्लस x की पावर 4 बटा 24 माइनस एंड सो ऑन, किसका भाग देना। चलिए भाग की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक की बात करें, भाग एक का लगेगा, भाग एक का लगेगा किसमें, न्यूनतम कितनी घात है x है तो कितनी बार भाग जाएगा x बार, इसका मतलब भाग कितनी बार गया x बार, अब इसे x का इस पूरे से गुणा करना और यहाँ लिख देना है। चलिए लिखिए, ध्यान दीजिए, x का गुणा क्या दिया हो गया कितना x, जब इसका गुणा इससे करेंगे तो x की पावर 2 थी 1 और आ गई x की पावर 3, तो ये हो गया माइनस x की पावर 3 बटा 2, साइन भी ध्यान रखना चिन्ह भी ध्यान रखना, सेम जब इस x का गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा x इंटू x की पावर 4 कितना हो गया x की पावर 5 बटा कितना 24 एंड माइनस एंड सो, जब ऐसा आ जाए उसके बाद घटा देना है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, इस प्रकार आ जाएगा। तो मान क्या है देखो x है x तो कैंसिल हो चुका है, ये प्लस का हो गया ये किसका हो गया माइनस का, मतलब ये हो गया x की पावर 3 बटा 2 माइनस x की पावर 3 बटा 6, ये पद तो अलग है, सेम इसका साइन प्लस है इसका क्या है माइनस, तो यानी ये बड़ा है, तो इसको लिखो प्लस x की पावर 5 बटा 120 बड़ा नहीं, प्लस की साइन की बात कर रहे हैं ना, पहले प्लस और बाद में माइनस वाला,
फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज क्या था प्लस, उसकी जगह क्या हो गया माइनस, तो यहाँ लिख दिया माइनस एक्स की पावर 5/24 और इसी प्रकार आगे। तो इसको सरल करते हैं, कितना आएगा ध्यान दीजिए, दोनों का लघुत्तम कितना है इन दोनों का 6, और 6 में 2 का भाग 3 बार, तो यहाँ आ गया 3x की पावर 3, और 6 में 6 का भाग कितनी बार गया 1 बार, तो 3 - 1 = 2, यानी कि ये कह सकते हैं 2x की पावर 3/6। क्लियर हुआ? यानी कि वापस देखिए, जब लघुत्तम लेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा 2 का, 3 बार जाएगा, तो 3 आ गया 3x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3, तो ये हो गया 2x की पावर 3/6। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसमें जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 120 है और यहाँ पे 24 है, मतलब दोनों का लघुत्तम कितना होगा 120 ही होगा, 24 × 5 = 120 होता है, तो 120 लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम तो आ गया कितना 120। अब एक बार भाग गया तो ये तो सेम ही रहा, x की पावर 5 ही रहा, यहाँ पे कितना हो गया, कितनी बार भाग जाएगा 24 का 5 बार, तो ये हो गया -5x की पावर 5। इसको और तरीके से लिख देते हैं, देखिए 2 कट गया तो कितनी बार x की पावर 3/ चलिए ऊपर लिखते हैं यहाँ पे ना, ध्यान दीजिए मैं इसको सरल कर रहा हूँ, यहां से इस पद से मैं दोबारा लिखूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इंप्लाइज, ये हो गया कितना 2x की पावर 3/6 प्लस, सॉरी अब इनको देख लेते हैं कितना क्या आएगा, -5x की पावर 5 + x की पावर 5, मतलब ये हो गया -4x की पावर 5/6 सॉरी 120। क्लियर हुआ? तो कितना आ गया, इसको सही तरीके से लिखोगे हो गया x की पावर 3/3 सेम माइनस है यहाँ पे, और 4 को काटोगे तो कितना आ जाएगा x की पावर 5/30 आ जाएगा। तो मैं यानी कि अब इस पूरे पद का भाग इसमें देना है तो वो कितनी बार जाएगा वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे x की पावर 3 लिखा है जबकि यहाँ पे 1 लिखा है, तो x की पावर 3 कैसे आएगा जब किसका भाग दोगे x की पावर 3 का, वो भी किससे, प्लस वाले पद से, तो प्लस x की पावर 3/3 से भाग देना है। क्लियर हुआ? तो ये पद आ गया अपने पास, इसका मतलब अब इस पूरे का इस पूरे से गुणा करना है, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए, इस पूरे का पहले 1 से गुणा किया तो वो आ गया कितना, इसके नीचे लिख देना यही है ना, ये तो भाग में चल रहा है और इसी के नीचे लिख देना है, ठीक है, कितना हो गया x की पावर 3/3 सेम, जब इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस इनटू माइनस, मतलब माइनस कितना हो गया x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 5। क्लियर हुआ? बटा भाग किसका लगा, 3 यहां पे लिखा है 2 यहां लिखा है, मतलब 6, 3 × 6, फिर सेम वही करना है, चिन्ह बदल देना, ये माइनस में ये किस में प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब काट दीजिए, देखो ये तो कैंसिल हो गए और बाकी पद तो है ही यहां पे, ये एक चीज और लिख देना कि बाकी पद प्लस शेष पद, यहां भी प्लस शेष पद और यहां भी लिख देना प्लस शेष पद और यहां भी प्लस शेष पद, जो भी, चलिए ये कट गया कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस का, ये किसका है माइनस का, तो पहले इसको लिख दें, ये लिख दिया x की पावर 5/6 और ये है माइनस का, तो -x की पावर 5/30 और प्लस अन्य पद तो आएंगे ही, लघुत्तम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 आ गया तो 5 से 6 का भाग कितनी बार गया 5 बार, तो 5 ही हो गया कितना 5x की पावर 5 माइनस 30 का 1 बार, तो ये कितना हो गया x की पावर 5/30 और प्लस अन्य पद तो है ही, इसको सही तरीके से लिखेंगे कितना जाएगा 5 - 1 = 4, तो ये हो गया कितना 4x की पावर 5/30, इसको सही प्लस एंड सो ऑन अन्य पद है, तो इसको सही तरीके से क्या लिख सकते हैं 2x की पावर 5/15 प्लस एंड सो ऑन इस प्रकार। अब यानी कि कहने का ये है कि इसमें भाग देना, इस पद में इस पद का भाग देना, तो जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ध्यान दीजिए, अपने को क्या चाहिए x की पावर 5, जबकि शुरू में क्या लिखा है 1 लिखा है, तो यानी कि कितनी बार जाएगा सेम इसी पद बार जाएगा भाग, तो यहां लिख दीजिए कितना 2x की पावर 5/15 इतनी बार भाग जाएगा, तो देख सकते हैं इसका प्रसार कुछ इस पद के रूप में आएगा, तो इसको सही तरीके से लिख सकते हैं हम, ध्यान दीजिए पहले नोट कीजिए इस विधि को, हाँ, तो 10x
टेक्स्ट का प्रसार कुछ इस प्रकार आया, इस पूरे को मिटा रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, इसका प्रसार हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस x की पावर 3 बटा 3 प्लस 2 x की पावर 5 बटा 15 प्लस एंड सो ऑन, इस प्रकार इसका प्रसार होगा। ये प्रसार विधि में त्रिकोणमितीय फलन का प्रसार हमने देख लिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रसार विधि का उपयोग कितना उचित है और कितनी इसकी आवश्यकता है। कह सकते हैं प्रतिस्थापन विधि यदि काम में नहीं आ रही है तो अन्य विधियों में जो प्रसार विधि होगी उसमें क्या होगा कि कुछ विशेष प्रकार के फलन होंगे जिनका प्रसार किया जा सकता है, तो ये विधि उन सभी फलनों के लिए लागू होगी जिन सभी का प्रसार हम कर सकते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था कुछ विशेष प्रकार के फलन लिखे थे जिनका प्रसार हम कल देख चुके हैं, मैंने बोला था उनको याद रखने की आवश्यकता है, तो धीरे धीरे करके उनको याद करने की कोशिश करें। कैसे आए, रही बात इनकी त्रिकोणमितीय फलनों की, तो उनका प्रसार आज हम दोबारा देख चुके हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं कि प्रसार विधि में जो कुछ मानक सीमा होती है वो कैसे प्राप्त की जाती है। चलिए बात करते हैं कि मानक सीमा में कौन कौन सी सीमाएं हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, मानक सीमा यहां लिख देते हैं, प्रसार विधि से प्राप्त कुछ मानक सीमाएं। यहां पे बात करते हैं सबसे पहले फलन की बात करें, हम कौन सा लेते हैं fx, कौन सा फलन लेंगे fx, तो उसके द्वारा देखते हैं कि जब उसका मान किसी पर्टिकुलर, ध्यान दीजिए अभी तक जो हमने बात की थी दो चरों की थी, कौन कौन से चर, एक x था और एक y था, तो हमने सबसे पहले जो सीमा पर जो नियम लगाया था वो कौन से चर पर लगाया था, सीमा के लिए x पर लगाया था, तो अभी भी हम किसके लिए नियम देखेंगे, x के लिए। तो पहली जो मानक सीमा है वो होगी लिमिट जब x का मान किसकी ओर अग्रसर हो, जीरो की ओर। ध्यान दीजिए, जब लिमिट का मान किसकी ओर अग्रसर हो, जीरो की ओर, और यहां पे लिखा है साइन एक्स बटा एक्स, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान एक होता है। कैसे होगा वो बाद में देखते हैं, अभी केवल सभी सीमाओं को लिखने की कोशिश करते हैं। दूसरी जो सीमा होगी वो क्या होगी, लिमिट एक्स का मान जब जीरो की ओर अग्रसर है, उस स्थिति में कॉस एक्स का जो मान होगा वो कितना हो गया, यानी कि उसकी सीमा कितनी होती है, एक होती है। ध्यान दीजिए, इसकी भी एक है और इसकी भी एक है, सेम। तीसरी सीमा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तीसरी सीमा साइन कॉस के लिए है, तो तीसरी किसके लिए बन जाएगी, टेन एक्स के लिए, टेन एक्स बटा एक्स, और इसका मान भी कितना होगा, एक होगा। चौथी सीमा, इसमें और सीमा की बात करें तो आ जाएगा लिमिट x tends to 0, और यहां पे बात करें तो ये आ गया log of 1 plus x बटा x, और इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। पांचवी सीमा की बात करें तो यहां पे आ जाएगा लिमिट x tends to 0, क्लियर है, और यहां पे आ गया कितना, e की पावर x minus 1 बटा x, और इसका मान भी कितना होता है, 1 होता है। छठी सीमा, जिसमें सबसे एक चीज और ध्यान से रखिए, जिसमें सबसे ज्यादा काम आने वाली सीमा ये है, इसका देखते हैं कितनी उचित है, कितनी आसान सीमा है, ज्ञात करना बहुत आसान है इसको, देखते हैं कैसे होगा। अगली सीमा की जब बात करते तो वो आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया b की पावर x माइनस 1 बटा x, या फिर कह सकते हैं a की पावर x। कुछ याद हो तो e के और a के बारे में कल बात की थी हमने, एक बार देख लीजिए वापस, e का जो मान माना था वो फिक्स था, कितना था कुछ याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने बताया था 2.718 ऐसा कुछ बताया, ये किसका मान था, e का मान था। फिर बात करें किसकी, a की, a के बारे में मैंने बोला था इसका कोई भी एक मान हो सकता है, तो उसके द्वारा अब इसकी सीमा जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, log
ऑफ आधार ई ऑफ ए, ये इसकी सीमा होगी। ठीक है, नेक्स्ट सीमा की जब बात करें, नेक्स्ट सीमा में जब बात करें तो कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। इस सीमा की बात करें, इसको थोड़ा डेराइव भी करने की कोशिश करेंगे, इनको हम डायरेक्ट बता सकते हैं कैसे होगा क्योंकि प्रसार बड़ा आसान। एक सीमा इंपॉर्टेंट है, वो है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, या जीरो लिख सकते हैं पहले और साथ में हो गया 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x, और इसका जो मान होगा वो होता है e। इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश कीजिए, इसका हम प्रसार भी देखेंगे कैसे क्या किया गया। और इसी के बराबर एक और सीमा है इसी प्रकार, वो है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और साथ में यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x बराबर e। ध्यान रखिए, अगर हम इनमें प्रतिस्थापन विधि लागू करने की कोशिश करें तो दोनों ही फलनों में यानी कि दोनों ही सीमाओं में जो रूप बनता है वो 1 टू पावर इनफाइनाइट रूप बनता है, 1 टू पावर इनफाइनाइट, जो हमने कल पहले बात की थी, इससे पहले पहले की क्लास में हमने बात की थी कि 1 टू पावर इनफाइनाइट भी अनिर्धारित रूप होता है। कौन सा रूप होता है, अनिर्धारित रूप होता है ना। तो दोनों को याद रखने की कोशिश करें, बड़ा आसान है याद रखना कि अंदर क्या आएगा, बाहर क्या होगा, कैसे होगा, जीरो लिमिट किसके लिए, इनफाइनाइट किसके लिए। ध्यान दीजिए, यहां जीरो लिखा है इसका मतलब अंदर जीरो जोड़ना है, तो 1 प्लस 0 1 ही रहता है और साथ में 1 अपॉन 0 का मान इनफाइनाइट होता, तो बन गया ना 1 टू पावर इनफाइनाइट। तो जब यहां अंदर केवल x लिखा है तो लिमिट किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर अग्रसर है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में ध्यान दीजिए, यहां पे लिमिट किसकी ओर अग्रसर है, इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर। अब इनफाइनाइट है इसका मतलब अंदर कितना बनना चाहिए, जीरो, तभी तो 1 टू पावर इनफाइनाइट बनेगा। तो जीरो कब बढ़ेगा, जब अंदर क्या लेंगे, 1 अपॉन x सीधा सा, बाहर पावर उसकी अपोजिट, ये टोटल है। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं कितना क्या होगा, फिर आगे की सीमा की बात करेंगे, एक का डेरिवेशन हम निकालते हैं। ठीक है, तो सीमा की बात कर रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां लिखा है कितना, अच्छा उससे पहले एक सीमाओं की बात और कर लेते हैं, उसकी आवश्यकता होगी, हां लिख चुके हैं हम यहां, इसी की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, ये है 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x और इसका मान ज्ञात करना है, इस सीमा का मान ज्ञात करना, तो इसको नए चर के बराबर मान लो, u के बराबर, u बराबर। अब चूंकि एक रूप दिख रहा है यहां पे, कौन सा रूप नजर आ रहा है, ये भी देख, ध्यान दीजिए 1 प्लस x और x किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर, तो मतलब ये चर राशि बदल रहा है, चर राशि, ये चर है तो उसमें एक जोड़ोगे तो भी चर ही होगा, तो कुल मिला के ये चर फलन, और इस चर फलन की घात भी ध्यान दीजिए चर के रूप में, मतलब चर की घात चर है। और इस प्रकार के फलनों को जब सरल करेंगे तो सरल करने की विधि के लिए लोग लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, लोग, यानी कि लोग यहां भी लिया जाएगा और लोग यहां भी लिया जाएगा, तो लोग क्या होगा, लॉग ऑफ यू बराबर, ध्यान दीजिए इसका भी लोग लिया कितना हो गया, लॉग ऑफ, अंदर क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिखा है और यहां पर लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां लोग लिया गया है लेकिन लोग का आधार क्या होगा, ये हम मान के चलते हैं कैलकुलस में जब आधार की आवश्यकता हो लघुगणक के फलन में, तो मैक्सिमम टाइम यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम आधार ई रखेंगे, क्या आधार रखेंगे, ई, मतलब यहां पे ना भी कहा जाए तो आधार क्या है, ई है, यहां भी आधार क्या है, ई है, क्लियर। तो यहां पे कितना हो गया, लॉग ई ऑफ यू बराबर, लिमिट की एक प्रॉपर्टी है जो हम बाद में डिस्क्राइब करने वाले थे लेकिन आवश्यकता पड़ गई इसलिए पहले ही बता देते हैं। लिमिट की प्रॉपर्टी क्या है कि यदि कोई फलन है तो उसको हम बाहर भी ले सकते हैं और उस फलन को उसके अंदर भी ले सकते हैं, यानी कि लॉग को अंदर लेके आ जाओ लिमिट के, तो कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 और लॉग अंदर आ गया तो कितना हो गया, लॉग ऑफ 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x, क्लियर हुआ। फिर यहां पे आधार की बात करें तो e है, अब इसकी बात करें कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्लियर हुआ। और log ऑफ, ध्यान दीजिए log की एक प्रॉपर्टी, यदि log में कोई संख्या है और उसकी कोई घात है तो उस घात को हम आगे लेके आ सकते हैं, आगे लाने का मतलब यही लेके आना है, इससे बाहर नहीं ले जाना है, क्यों, क्योंकि ये किसकी सीमा है, x की ही है, इसलिए यहां पे लिख सकते हैं पावर कितनी है,
वन अपॉन एक्स, इसको यहाँ पावर के रूप में लेके आ गए, और साथ में कितना हुआ लॉग ई ऑफ वन प्लस एक्स, क्लियर हुआ? अब कितना आ गया, ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना जीरो है, वन अपॉन एक्स है। कल इसके प्रसार की बात की थी, उस प्रसार की आवश्यकता है, तो पहले एक बार नोट कीजिए इनको। चलिए बात करते हैं लॉग के प्रसार की, यहां लिख देते हैं, चूंकि कल हमने देखा था लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का जो प्रसार था वो था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स की पावर तीन बटा तीन एंड सो ऑन। ये प्रसार यहां रख देना है, तो कितना आ गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स की पावर तीन बटा तीन एंड सो ऑन, क्लियर है? ध्यान दीजिए, अभी भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रसार विधि का ही उपयोग किया गया है ना, तो इसके माध्यम से यहाँ देखा तो कितना आ गया log of आधार e of u बराबर लिमिट रखा है, ये लिमिट रख दिया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो है बाहर। अब ध्यान दीजिए, जब x का, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे पद का इस पूरे से गुणा करना है, और गुणा करना तो क्या करना है, इसका इससे भी गुणा होगा, इसका इससे भी गुणा होगा, इसका इससे भी गुणा होगा, इस प्रकार होगा। तो जब गुणा कर लेते तो क्या आ जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए x से x कैंसिल हो गया तो कितना बच गया वन, फिर इसका गुणा इससे किया तो माइनस आगे आ जाएगा माइनस, फिर एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ नीचे कितना है एक्स है, मतलब एक घात कैंसिल हो जाएगी तो ये बन गया एक्स बटा टू, सेम नेक्स्ट पद में एक घात कम हो जाएगी तो प्लस एक्स स्क्वायर बटा तीन, इस प्रकार आ गया। और टारगेट क्या होता है, सीमा में विधियां लगाकर प्रतिस्थापन विधि का ही उपयोग करना है, तो प्रतिस्थापन विधि लगाई तो यहाँ पे ये सब तो कितने हो जाएंगे जीरो, क्योंकि ये जीरो की ओर अग्रसर है, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि log e of u कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या आ गया log e of u बराबर, ध्यान दीजिए जब x का मान जीरो रखा तो ये भी जीरो हो गया था और ये भी जीरो हो गया, तो मतलब कितना बचा एक बचा, तो यहाँ पे कितना आ गया एक। टारगेट किसका मान निकालना था, ये देखिए इस पूरी सीमा को किसके बराबर माना हुआ था, u के बराबर, तो यहाँ से बेसिकली किसका मान निकालना है, तो चलिए यहाँ से बताइए u का मान क्या होगा। log की प्रॉपर्टी 11th क्लास में हमने पढ़ी है कि जब मान निकालते तो जो आधार होता है और इधर वाली संख्या उस आधार की घात में चली जाती है, तो आधार क्या है e है, संख्या क्या है एक है, तो एक इसके आधार में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा e की पावर एक, मतलब यहाँ पे u जो है वो कितना आ गया e आ गया, मतलब कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो और यहाँ पे वन प्लस x की पावर वन अपॉन x बराबर e, याद रखने की कोशिश कीजिए। ये विधि यदि समझ में आ गई हो तो जो नेक्स्ट सीमा है ये वाली, ये हम ज्ञात करने की, यानी कि घर पे इस विधि, यानी कि इस सीमा को ज्ञात करने की कोशिश कीजिए, अगर ये नहीं होती है तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर भी यदि आज के इस पढ़ाए हुए जो भी हमने पढ़ाया इसमें कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, तो उसको याद रखना, छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये कैसे क्या होगा, कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कल उसके बारे में हम आगे देखेंगे। याद रखना टाइम इम्पोर्टेंट है, भले ही कोरोना वायरस की वजह से हम घर पे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्री बैठ गए, नहीं, फ्री नहीं बैठना है, आगे का सेशन शुरू होगा, हो सकता है कि सेशन थोड़ा लेट शुरू हो, इसी वजह से इन क्लासेस की ज़रूरत है, इन क्लासेस को ध्यान दीजिए, जितना हो सकता है उतना सीखने की कोशिश कीजिए, समझ में नहीं आता है हम यहाँ पर आपके लिए हमेशा तत्पर है बताने के लिए, बाकी भविष्य आपका है, फैसला आपको खुद करना है कितना आपके लिए कारगर होगी ये सब चीज़ें, कितनी आवश्यकता है इनकी, क्योंकि सब कुछ सीमा, ये सॉरी जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सब सिलेबस में शामिल है, कुछ कंपटीशन एग्जाम में भी ये आते हैं, जैसे कि नेवी एयर फोर्स वगैरह में भी इनसे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर है इसका, सीमा का अलग से चैप्टर है उसमें, तो सभी की आवश्यकता है, नोट कीजिए और बाकी कल के क्लास में हम देखते हैं। धन्यवाद।